गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए दसवीं श्रेणी के नियम पढ़ेंगे। कल मास्टर देखे थे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसलिए किसके लिए होता देना है, बीस चौहत्तर में दिया था। इस नियम के अनुसार मॉडल का मामला देखिए, किसी रासायनिक क्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इस प्रकार में इसकी भौतिक के रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक क्रिया के व्यक्ति कारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पाद पदार्थ कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और यह जान अभिक्रिया देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यौगिक का निर्माण होता है। कारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, कार्बन का 12 प्लस 32 ऑक्सीजन का 44। तो इससे स्पष्ट है द्रव्यमान संरक्षण करने की पुष्टि होती है। ठीक, तो कहने का सिर्फ ये है इस नियम के आधार पर कि किसी भी पदार्थ में जो भी रहता है वह क्या होता है, नष्ट नहीं होता, सिर्फ वो परिवर्तन है, उसकी अवस्था में क्यों परिवर्तन होता है, लेकिन उसके द्रव्यमान में नहीं। अब देखिए इससे अनुपात करने में इस नियम के प्राउड में उन 1799 में दिया था। इस नियम के सभी के रासायनिक यौगिक के प्रत्येक कण में समानता के स्थित होते हैं, उदाहरण का द्रव्यमान भी निश्चित होता है। अर्थात वह किसी यौगिक का द्रव्यमान अनुसार तात्विक संगठन निश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मीथेन का CH4 होता है, इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन का CH4 कार्बन है। इसमें कार्बन कितना प्रतिशत है, 70% और हाइड्रोजन 30% है। हाँ, इसके आगे का